हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मनदीप है और दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक ऐसी प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है गूगल के इंटरव्यूज में। ये बहुत बार पूछी जा चुकी है और बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। लोगों के दिमाग में हमेशा ये रहता है कि हार्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, बट मेरा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है। दे ऑलवेज आस्क समथिंग समथिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। सो ये भी वैसा ही क्वेश्चन है बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा टिपिकल है। तो मैं आज आपको ये सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि इसका डिस्क्रिप्शन क्या है। सो एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, हमें एक इंटीजर्स का एक एरे दे रखा है, उसके अंदर कुछ जीरोज हैं और हमें क्या करना है कि हमें वो सारे जीरो राइट साइड में मूव करनी एंड ऑफ द एरे में, और जो रिलेटिव ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो हमें लूज नहीं करना है। सो जैसे एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, जैसे हमें 0 1 0 3 12 दे रखा है, तो इसमें जैसे कि हमें जीरोज हमें राइट साइड में मूव करनी है, तो वो जीरो राइट साइड में मूव करती और 1 3 12 जो रिलेटिव ऑर्डर था वो यू का यू मेंटेन, ठीक है। और इसमें एक क्लियरली मेंशन है कि यू मस्ट डू दिस इन प्लेस विदाउट मेकिंग ए कॉपी ऑफ द एरे। सो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बट इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप इसकी कॉपी करके मतलब एक और एरे की कॉपी बना के ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते। आपको ये इन प्लेस ही सॉल्व करना है, दैट मीन्स कि आपको जो गिवन एरे है इसी में जो कुछ करना है आपको इसी में ट्वीट करना है और तभी आप कर सकते हैं। ऐसे ही बाकी एक और एग्जाम्पल दे रखा है, अगर मेरे एरे के अंदर एक जीरो भी है तो बाई डिफॉल्ट मैं इसको रिटर्न करूँगा। कॉन्स्टेंट्स भी बहुत ही ईजी हैं। एरे की लेंथ जो है एक होगी, दैट मीन्स एरे नल नहीं हो सकता, मिनिमम और मैक्सिमम 10^4 हो सकती है। एरे के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो भी इंटीजर रेंज में है, -2^31 to 2^31, ठीक है। एंड ये हमारा प्रॉब्लम है, मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको पे जाएंगे हम लोग कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, जैसे कि ये हमारी गिवन प्रॉब्लम है, ये हमारा जो है गिवन एरे है, दिस इज अवर इनपुट एंड दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव। तो इसके लिए हमें क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। आप सिंपल ऐसे सोचिए कि मुझे किसी तरीके से ये करना है कि जो सारे नॉन जीरो एलिमेंट है मैं उनको लेफ्ट में शिफ्ट कर दूँ, जैसे कि उनका ऑर्डर मेंटेन करते हुए, और फिर जैसे ही मैं सारे नॉन जीरो को मैं लेफ्ट में शिफ्ट कर देता हूँ उसके बाद पीछे में सब में बस जीरो अपेंड करते हैं। तो हम यही करने वाले हैं, शुरू करते हैं। इसमें हमें दो पॉइंटर्स की जरूरत पड़ेगी, हम दो पॉइंटर मेंटेन करेंगे इस एरे में। एक पॉइंटर होगा करंट पॉइंटर, जो बेसिकली हम किस एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं, हम पूरे एरे के एक बार ट्रेवर्स करेंगे, और करंट पॉइंटर होगा हमें वो बताएगा कि उस पर्टिकुलर आइट्रेशन में हम उस एलिमेंट के ऊपर या उस एलिमेंट को प्रोसेस कर रहे हैं। एक हम रखेंगे नॉन जीरो या जो कि ट्रैक रखेगा कि हाँ इस पॉइंटर से लेफ्ट साइड में जितने भी हैं वो सारे डेफिनेटली नॉन जीरो हैं। तो चलो मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा सेंस करेगा। तो ये जैसे हमारा गिवन इनपुट एरे है, मैं आपको फिर से लिख लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा एक गिवन इनपुट एरे है 0 1 0 3 एंड 12, ठीक है। तो हमें दो पॉइंटर रखने हैं, एक मेरा पॉइंट जो कि मेरा करंट पॉइंटर में सी लिख लेता हूँ, और दूसरा एन जेड, लेट्स से एल एन जेड लिख लेता हूँ मैं, लास्ट नॉन जीरो। शुरू में ये दोनों जीरो के इंडेक्स पे हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हम ट्रेवर्स करते जाएंगे, अगर तो हमारा एलिमेंट जीरो है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल करंट पॉइंटर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अभी जैसे हमारा अभी हम इस पहले एलिमेंट के ऊपर हैं जीरो इंडेक्स पे, तो ये जीरो है, तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल करंट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हमारा एरे कुछ ऐसा बन जाएगा कि यहाँ पे जो है मेरा करंट पॉइंटर आ जाएगा, और यहीं पे जो एल एन जेड जो था वो उसकी जगह पे ही बना रहेगा। अब नेक्स्ट आइटरेशन में, अब क्योंकि मेरा करंट पॉइंटर यहाँ पे आ गया, अब मुझे ये एलिमेंट प्रोसेस करना, तो अगर मेरा कोई एलिमेंट नॉन जीरो है तो मुझे क्या करना है, मुझे सिंपल ये करना है कि मुझे इस एलिमेंट को लेफ्ट में मूव करना है। तो
तो मैं क्या करूंगा लेफ्ट में मूव करने के लिए, मैं इस एलिमेंट को जहां पे मेरा लास्ट नॉन जीरो का पॉइंटर है उस में कॉपी कर दूंगा। तो फिर मेरा एरे क्या बन जाएगा, मेरा एरे कुछ ऐसा बन जाएगा, वन वन जीरो थ्री वन। और ये दोनों प्रोसेस करने के बाद मैंने एक को कॉपी कर दिया है, तो मैं दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ाऊंगा। दैट मीन्स कि मेरा ये जो एलिमेंट है ये प्रोसेस हो गया, तो मेरा करंट पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पे, और मेरा पहले एल एन जेड लास्ट नॉन जीरो पॉइंटर जो था वो पहले यहाँ पे था, इसको भी मैं आगे बढ़ा दूंगा। तो ये मेरा एल एन जेड मेक श्योर कर रहा है कि इससे लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे नॉन जीरो होंगे, ठीक है। अब फिर हम सेम वही करेंगे, जीरो आ गया तो हमें हमारा एरे ये बन गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, हमारा एरे जो है ये बन गया है वन वन जीरो थ्री वन, ठीक है। और हमारा करंट पॉइंटर है यहाँ पे और लास्ट नॉन जीरो पॉइंटर है हमारा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम हमें क्या करना है, अभी हमारा करंट एलिमेंट जीरो है, हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल करंट पॉइंटर को आगे बढ़ा देना। करंट पॉइंटर आगे बढ़ जाएगा तो इस आइट्रेशन के बाद हमारा ये हो जाएगा वन वन जीरो थ्री ट्वेल्व, एरे ये रहेगा, करंट पॉइंटर मेरा यहाँ आ जाएगा और लास्ट नॉन जीरो में मुझे कुछ नहीं करना इन केस अगर मेरा करंट एलिमेंट जीरो है तो। अब नेक्स्ट मैं क्या करूंगा, मेरा करंट एलिमेंट नॉन जीरो है, नॉन जीरो है तो मैं क्या करूंगा, इस करंट एलिमेंट को कॉपी कर दूंगा लास्ट नॉन जीरो एलिमेंट की पोजीशन पे, और फिर लास्ट नॉन जीरो एलिमेंट को भी पॉइंटर को भी आगे बढ़ा दूंगा और करंट को भी आगे बढ़ा दूंगा। तो इसके बाद अभी ये क्रूशियल पॉइंट है, आपको ये यहाँ पे ध्यान से देखना चाहिए, अगर आप ये पॉइंट पकड़ लेंगे तो आपको सही लॉजिक समझ में आ जाएगा। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे फिर मेरी एरे जो है ऐसा बन जाएगा वन वन सॉरी वन थ्री, ये थ्री मैंने कॉपी कर दिया, वन थ्री जीरो थ्री और ट्वेल्व, और मैंने करंट पॉइंटर को है आगे बढ़ा दिया और लास्ट नॉन जीरो को भी आगे बढ़ा दिया। तो अगर आप ध्यान से अभी देखेंगे तो इस पॉइंटर से पीछे वाले, दैट मीन्स कि लास्ट नॉन जीरो से लेफ्ट में जितने भी है ना, ये एल एन जेड है दोस्तों, तो इस पॉइंटर ये एल है लास्ट नॉन जीरो पॉइंटर, इस पॉइंटर से लेफ्ट में जितने भी है ना वो सारे गारंटेड नॉन जीरो है। और एक चीज और आप ध्यान से नोटिस कीजिए कि एलिमेंट्स का ऑर्डर भी मेंटेन है, जैसे कि पहले हमारा वन आना चाहिए था वन आ गया, फिर हमारा थ्री आना चाहिए था थ्री आ गया, ठीक है। ऐसे ही हम लास्ट तक करते जाएंगे, अभी हमारा करंट एलिमेंट जो है ट्वेल्व है, तो अभी हमारी जो है ये है एलिमेंट वन थ्री जीरो थ्री थ्री वन थ्री जीरो थ्री एंड ट्वेल्व, मेरा करंट एलिमेंट है यहाँ पे जो कि नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो के केस में मैं क्या करूँगा, जहाँ पे मेरा लास्ट नॉन जीरो पॉइंटर है मैं उसमें इसको कॉपी कर दूंगा, दैट मीन्स कि इसको यहाँ पे कॉपी करूंगा तो मेरा क्या एरे बन जाएगा, मेरा एरे बन जाएगा वन थ्री ट्वेल्व, वन थ्री ट्वेल्व एंड थ्री ट्वेल्व, ठीक है। और मेरा इसके बाद मैं अगर करंट पॉइंटर को बढ़ाऊंगा वो एरे से बाहर आ जाएगा, और लास्ट नॉन जीरो को बढ़ाऊंगा तो लास्ट नॉन जीरो यहाँ पे आ जाएगा, एरे बन जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि मेरा मैंने एक बार में मेरा एरे सारा प्रोसेस कर लिया है, तो अब मुझे बस ये करना है कि, और आप एक चीज और ध्यान से देखें, मेरे सारे नॉन जीरो एलिमेंट लेफ्ट में शिफ्ट हो गए वन थ्री ट्वेल्व। अब मुझे क्या करना है कि जहां भी मेरा ये लास्ट नॉन जीरो वाला पॉइंटर है यहाँ से लेके आगे तक राइट के एरे के लास्ट तक मुझे क्या करना है, मुझे बस जीरो से भर देना है। तो मैं क्या करूंगा, उसके बाद मेरा एरे जो है वन थ्री ट्वेल्व, और मैं क्या करूंगा जीरो और जीरो से भर दूंगा, और ऐसे मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, मैं अभी आपको कोड पे लेके जा रहा हूँ, कोड आपको समझाऊंगा कि कैसे जो है ये सॉल्व होने वाला है। सो देखिए ये मैंने कोड लिख रखा है, सेम ही है, एल एन यहाँ पे नॉन जीरो एन जेड ले रखा मैंने, ये बेसिकली ट्रैक करेगा कि कहाँ पे मेरे नॉन जीरो आ चुके हैं, और सी मेरा करंट पॉइंटर है, शुरू में मैंने दोनों को जीरो से इनिशियलाइज करवाया, और मैंने क्या किया कि जब तक मेरा सी जो है एरे की लेंथ तक नहीं जा रहा, मतलब कि मैं एक बार
पूरे एरे को ट्रेवर्स कर रहा हूँ। अगर मेरा करंट एलिमेंट जीरो है, जो कि यहाँ पे था, करंट एलिमेंट जीरो है, तो मैं बस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे था, तो मैंने क्या किया था, मैंने सिंपल बस आगे बढ़ गया था, मैं करंट पॉइंटर को आगे बढ़ा दिया था। ये देखिए करंट पॉइंटर को बस मैंने आगे बढ़ा दिया, मैंने लास्ट नॉन जीरो में कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर तो वो जीरो नहीं है तो मैंने क्या किया है, तो करंट एलिमेंट को मैंने सिंपली मेरे नॉन जीरो वाले एलिमेंट पॉइंटर की लोकेशन पे कॉपी कर दिया और फिर दोनों पॉइंटर्स को आगे बढ़ा दिया। ये टिल द एंड तक ऐसे ही चलेगा, टिल द एरे एंड, तो फिर हमारा लास्ट में ये 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 वाला एरे बन जाएगा, ये वाला एरे बन जाएगा। ठीक है, जब मैं लूप से बाहर निकलूंगा, इस पहले लूप से बाहर निकला, उसके बाद मैं क्या करूंगा, जहां पे मेरा लास्ट नॉन जीरो पॉइंटर था, जो कि यहाँ पे था, यहाँ पे था, यहाँ से लेके एरे के लास्ट तक, फिर मैं एक और लूप चलाऊंगा और उसमें सारे जीरो भर दूंगा। सिंपल मैं वही कर रहा हूँ, और इसको मैं यहाँ पे व्हाइल नॉन जेड इज लेस देन लेंथ ऑफ एरे नंबर्स एंड देन आई एम जस्ट फिलिंग द वैल्यू विद नॉन जीरो एंड आई एम जस्ट इंक्रीमेंटिंग। सो दैट्स ऑल। अब आप को मैं इसकी रन करके दिखाता हूँ, और ये एक्सेप्ट हो गया और ये चल रहा है, और ये मैं अगर इसको सबमिट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए 368 माइक्रोसेकंड फास्टर एम एस फास्टर देन 21% से बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप दोबारा देख सकते हैं। वन मोर थिंग, मैंने एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रहा हूँ जिसमें कि मस्ट डू इंटरव्यू क्वेश्चंस है फॉर प्रोडक्ट कंपनीज। सो आप उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, और इस वीडियो में कहीं लेफ्ट या राइट में जरूर आपको मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं और आप अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इससे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है हर यूट्यूबर की तरह मुझे भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।